को माफ कौन करेगा, इसलिए या खुदा इस बच्चे को सलामत रखना, वरना जब इनकी शादी होगी दोनों की डांस कौन करेगा, वही कौन करेगा क्या? क्योंकि क्योंकि 20वीं सदी में कहा जाता था जी भैया कि 20वीं सदी में कहा जाता था कि बच्चे होंगे तीन, कितने? तीन। कि 20वीं सदी में कहा जाता था कि बच्चे होंगे तीन, आया सदी 21वीं बदल गया सीन। कि 20वीं सदी में कहा जाता था कि बच्चे होंगे तीन, आया सदी 21वीं बदल गया सीन, अब बच्चे होते हैं एक, बाप होता है तीन। ए हे क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। इस तरह से कि बच्चे का भविष्य धन में रह जाएगा। अब बच्चवा का ओरिजिनल पिताजी कौन है ये तो कंप्यूटर ही ना बताएगा। एक बार चाहिए मूड में आके जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजा दे। बहुत अच्छा क्या बच्चा है, बच्चे तो ही अच्छे हैं। इनका नाम और श्याम, क्योंकि बाहर मेरा देश सावाश्री इंडिया, कि बाहर मेरा देश सावाश्री इंडिया, जो कि हर साल पैदा करता है एक नया ऑस्ट्रेलिया, कि कोई देश आगे है कल कारखानों में तो कोई देश आगे रॉकेट उड़ाने में, अपना भी देश आगे जानते किस में, बच्चा जनवाने में। बोले आप जोरदार ताली, क्या बात है, जवाब नहीं है सर आपका। अच्छा देखिए, मैं कह रहा था ना कि गाने ऐसे ऐसे निकल गए। एक गाना है भैया रुपेश भैया, कि छत पे सोया था बहनो ही मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, चुप गुप चुप आया था। क्या जरूरत है ऐसे गाने लिखने की रुपेश भैया, मैंने लिखा क्या जब उसने गाया कि छत पे सोया था बहनों ही मैं तने समझ के सो गई, मुझको माफ करना गलती मारे से हो गई। मैंने उस निर्तांगना के लिए कहा क्या कि जब आग लगाई संस्कारों की दामन की तो रोने की जरूरत क्या थी, जब दाग लगाया चूर्ण में तो धोने की जरूरत क्या थी, आहार व्यवहार लज्जा संस्कार जब थी हिंदुस्तान की संस्कृति तो इसे खोने की जरूरत क्या थी, और तेरा बिस्तर था ऑलरेडी नीचे तो तुझे ऊपर जाके छत पे सोने की जरूरत क्या थी। लेकिन लेकिन मैंने मैंने इस पर क्या कहा कि गलती हो गई थी तो बताने की जरूरत क्या थी, ये बात कि गलती अगर हो गई थी तो बताने की जरूरत क्या थी, क्या थी? अब पगली तुमको पता था कि छत पे बहनो ही है तो फिर जाने की जरूरत क्या, क्योंकि छत पे था जीजा और जीजा खिलाए पीजा। लेकिन मजा आता, आइए बातें ऐसी सारी होती रहेगी। लेकिन हम सभी के बीच नीलम सागर जी है तो हम चाहेंगे नीलम सागर जी हम सभी के बीच आए और एक प्यारी सी प्रस्तुति आप सभी के बीच रखे तो बड़ा ही आनंद आए। मंच पे हमारे बहुत ही होनहार कलाकार मंच उद्घोषक, जो कि बिहार में एक अपने नाम का डंका बजा के रखे हमारे भाई रुपेश भाई, जवाब नहीं सर आपका। आइए सुनते हैं कुछ नीलम सागर जी से ये बात। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सूरज प्यार एंटरटेनमेंट के माध्यम से तमाम कलाकार की प्रस्तुति जोरदार भाई, जय शुक्रिया।